नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के देवबंद में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने चंद्रशेखर को गोली मारी, हालांकि यह गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत यह रही कि वे इस हमले में वे बाल बाल बच गए। वहीं इस हमले को लेकर उनके समर्थकों में भारी रोष है। घटना के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस हमले के बाद उनके समर्थकों ने सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग की। बता दें कि भीम आर्मी के मुखिया पर हमला उस समय हुआ जब वे सहारनपुर के देवबंद में बहुजन मिशन मूवमेंट में भाग लेने जा रहे थे। चंद्रशेखर पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले से नाराज उनके समर्थकों ने इस हमले का विरोध करते हुए हमलावरों की तत्काल अरेस्ट करने की मांग की। सूत्रों के अनुसार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला करने के लिए HR नंबर की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया था, जो विकास कुमार नाम के शख्स के नाम पर है। इस घटना की विपक्षी दलों द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में जब जन प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर शाम उत्तर प्रदेश के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद के काफिले पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में आजाद घायल हो गए। एक गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई। इस हमले पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चंद्रशेखर आजाद के जख्मी होने की खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, कमजोर लोग करते हैं हमला हथियारों से, क्योंकि वह विचारों से नहीं लड़ सकते। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि यह विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और विचारों से इन लोगों को डर लगता है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। आपको बता दें कि हमलावरों ने चंद्रशेखर की गाड़ी पर कई गोलियां बरसाई, जिससे उनकी कार के शीशे भी टूट गए। कई गोलियां उनकी सीट के आर पार हो गई। इस हमले में घायल आजाद को तुरंत देवबंद चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनका इलाज जारी है। चंद्रशेखर आजाद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने सबसे पहले उनका डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने बताया, हमने डॉक्टरों का पैनल बनाया है जो उनका इलाज कर रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, वो स्वस्थ है। उनके पेट के अंदर कोई गोली नहीं है, सिर्फ छूते ही निकल गई। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अस्पताल के गेट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद को गोली मारने वाले कौन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।